rounders who can do a bit better. But clean strike. 50 for Shreyas Iyer. And India finish things off with an imp. And they win by 7 wickets. Well, this is tremendous from India. थोड़ा पाकिस्तान का हाल समाचार पूछ लेते हैं। हेलो जनाब। हाँ हेलो जनाब। अरे जनाब, बाबा अभी तक जिंदे हैं? बोला गया कि आप दुनिया अभी तक छोड़ चुके होंगे। अभी अभी हम दुनिया छोड़ के जाने ही वाले थे कि उतने में आपका कॉल आ गया। अरे हाँ जनाब, बेवकूफ मत बनाइए। इंडिया ने पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया था कि नहीं, बस इतना बताइए। हाँ जनाब, मानते हैं इंडिया ने पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया, लेकिन जब हमने विराट और गिल का विकेट लिया तो हम गेम में आ ही गए। अच्छा जी जनाब, इतना बताइए, जब आपके मुल्क का बाप विराट कोहली है तो उस तरह रोहित शर्मा आपका चाचा हुआ ना? जनाब ये मत भूलिए कि हारिस रॉफ ने श्रेयस अय्यर को बॉल फेंक कर मारा था। जनाब आप भी ये मत भूलिए कि आपके मुल्क का बाप विराट कोहली नहीं था मैदान पे, नहीं तो नबी नुलक की तरह हारिस रॉफ का हाल हो जाता। जनाब इतना जनाब ये सब छोड़िए, जब रोहित शर्मा मार रहा था तो तब आपका हालत कैसा था? अरे जनाब एक अंदर की बात बताएं, सच पूछिए तो बहुत फट रहा था हमारे मुल्क को। और जनाब आपको क्या लगा, सानिया मिर्जा दे दिए तो क्या मैच भी हम दे देते क्या? सानिया मिर्जा ले लिए, मैच हार गए, लेकिन कश्मीर को डंके की चोट पे लेंगे। जनाब ये सुन सुन कर तो मेरा और मेरे देश का तो कान खराब हो गया, लेकिन सुनने में बहुत मजा आता है। जनाब इतना बेइज्जती मत करिए, नहीं तो हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे। न्यूक्लियर? न्यूक्लियर का थोड़ा स्पेलिंग बताइए तो। खैर छोड़िए जनाब, मैच तो हम हार गए लेकिन हमारे लड़के ने बहुत अच्छा। अरे जनाब वो तो हम 1992 से सुनते आ रहे हैं कि आपका लड़का ने अच्छा खेला है, लेकिन थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए आप। हाँ यार बहुत बेइज्जती हो गया, हम पाकिस्तान अभी इंडिया का वीजा।